यू नो, आप क्या वाकई में निजी जिंदगी में इतनी शकी मिजाज की हैं? शिखा, जो दमादम का मैं जो किरदार निभा रही हूँ वो काफ़ी शकी है, लेकिन लड़कियाँ थोड़ी शकी होती है, मैं मानती हूँ, थोड़ी नैगिंग भी होती है, लेकिन शिखा जितनी नैगिंग में नहीं हूँ. तो मैं सभी दर्शकों को और लोगों को और लड़कों को ये बताना चाहूँगी दैट प्लीज डोंट जज मी लाइक दैट. नहीं तो पता चला कि यार ये तो इसका रियल लाइफ और ऑन स्क्रीन पर्सोना सेम है, सेम हो गया, भाग जाएंगे. वेरी ट्रू. बट टेल मी वन थिंग, ये जब प्रोमो शुरू हुए और पता चला कि आप कहाँ हो, किधर हो, मुझे SMS क्यों नहीं किया या जो भी, तो किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? मुझे बहुत सरप्राइजिंगली एवरीवन थॉट इट वाज वेरी फनी. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम चाहते थे हो, जो हमारा इसके पीछे बिहाइंड द यू नो दिस कैरेक्टर जो था कि ऐसा ये बहुत रियल है, लड़कियां ऐसे करती हैं. यू नो, ये सारे मर्द अग्री करेंगे, लड़कियां भी बहुत सी अग्री करेंगी कि ऐसा करती हैं कि हमेशा एक फोन कर दिया, कहां पे हो, अगर फोन नहीं उठाया तो दो बार और फोन करिए, फोन क्यों नहीं उठाया, दैट मींस और शक अचानक चालू हो जाता है, फोन क्यों नहीं ले रहे. सो ऑल दैट, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम विमेन हु थॉट इट वाज वेरी फनी एंड आल्सो थॉट दैट हां यार हम थोड़ा ये करते हैं, थोड़ा करते हैं, थोड़ा शिखा जैसे हम हैं यार. बट कहीं ना कहीं आप भी रियल लाइफ में थोड़ी पजेसिव, आप दोनों आप हैं? हां हूं. मुझे ये भी मैं कहना चाहूंगी, ये जो नैगिंग जो औरतों का हम बोल देते हैं कि नैगिंग कर रही है या यू नो पोजेसिव है, उसमें कहीं उनका प्यार है छुपा, एंड दैट इज द आई मीन दैट्स वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर लव. तो हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं थोड़ी पोजेसिव जरूर हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं. व्हाट अबाउट यू सोनल, आप पोजेसिव हैं? हाँ, आई एम अ गर्ल, सो नैगिंग नहीं, नैगिंग पर आई थिंक बॉयज को नैग करना पड़ता है, वरना नथिंग विल गेट डन. दैट्स ट्रू. तो वो पड़े रह जाएंगे बस. तो हमें थोड़ा डायरेक्शन देना पड़ता है, उन्हें वो नैगिंग कह देते हैं. बट देन इवन मेन आर वेरी पजेसिव, राइट? या बट आई थिंक इसमें बट यू नो लाइक शी सेड, जो ह्यूमर आता है वो सर्कमस्टेंशियल, इट्स देयर इज नो स्लैपस्टिक और देयर नो यू नो फोर्स्ड जोक्स और एनीथिंग. राइट राइट. इट्स लाइक रियल सिचुएशन से ह्यूमर आता है बाहर. शिखा और समीर है घर में, तो वो बाई आती है से, तुम्हारे नेबरहुड में क्या मेल सर्वेंट्स नहीं है? मेल धोबी नहीं रखती है? धोबी धोबन क्यों रखी है? धोबी रखो. So, अब तुम्हें धोबन से भी प्रॉब्लम है? लाइक नॉर्मल, लाइक देयर इज वन इंसिडेंट व्हिच इज वेरी फनी, जो मुझे हमेशा लगता है कि इट्स सो फनी, दैट समीर इज इन अ पार्टी एंड ही इज विद सोनल, एंड ऑब्वियसली उसे शिखा को बताया नहीं है, और वो पार्टी में है और इतना हल्ला गुल्ला चल रहा है उसका, और शिखा का फोन आता है, कहती है टाली मैं तुम इतना मिस करती हूँ जान बाबू, आई मिस यू सो मच. अच्छा तुम्हें काम ही सही, आई ऑल्सो मिस यू, आई एम एट अ पार्टी बट आई हैव टू गो. तो तुम्हें काम क्यों नहीं करते? तुम मुझे इतना मिस कर रहे हो, मैं तुम्हें इतना मिस कर रही हूँ, तुम फोन ऑन ही रखो ना. Yes. मुझे लगेगा मैं तुम्हारे और साथ गाना शुरू हो जाता है मैंगो. एंड ही इज लाइक ये क्या, ठीक है इतना ब्राइट आइडिया, थैंक यू जान, मैं फोन ऑन ही रखता हूँ, थैंक यू, देखा मुझे कितना प्यार करते हो, दैट आई विल आल्सो बी विद यू, और मुझे लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ. तो ये फनी है और ऐसे ही होता है, यू नो, सो यू इट कम्स नेचुरली. उसका बेचारे उसको देख के आपको हंसी आ जाएगी. हाँ ठीक है. राइट. एंड व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म? आपका कौन सा गाना फेवरेट है? देखो इतना अच्छा गाना जा रहा है और तुम दोनों इतने अच्छे लग रहे हो. ऐसे नहीं, उससे ज्यादा एक्साइटेड मैं ये हूँ कि सीडी पे मेरा नाम आएगा, पुर्बी जोशी फीचरिंग, पुर्बी जोशी. आई सेड सो दैट वाज ग्रेट फॉर मी. ओके, व्हाट नेक्स्ट, विल यू कंटिन्यू एक्टिंग इन मूवीज या टेलीविजन की तरफ आपका आपका झुकाव रहेगा? फॉर मी, मैंने हमेशा यही सोचा कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक परफॉर्मर हूँ. मेरे लिए प्रोजेक्ट और मीडियम इतना मायने नहीं रखना चाहिए. कल को उठ के कुछ इनक्रेडिबल फिनोमिनल आ गया टीवी पे, लोग बड़े से बड़े स्टार्स टीवी कर रहे हैं, हु एम आई टू रिफ्यूज, यू नो. और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि मुझे भाई अपना किचन भी चलाना है, ये मेरी रोजी रोटी है. तो अगर जहाँ से भी ऊपर वाले ने ब्लेसिंग दे दी, तो ऑफ कोर्स आई लव टू डू मूवीज एंड एवरीथिंग, बट आई हैव टू आल्सो बी प्रैक्टिकल. सो ये सब रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन नेवर से नेवर टू एनीथिंग. सो आई एम प्रीटी ओपन अबाउट इट. यस, व्हाट अबाउट यू? सी, लाइक शी सेड, द मीडियम डजंट मैटर, कि हम एक्टर्स हैं, हमें एक्टिंग करनी है. आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम सीरियल्स टू थिएटर, अ होल ईयर आई ट्रैवल्ड विद माई थिएटर ग्रुप, सो आई डू एवरीथिंग. तो अगर अच्छा काम होगा, इफ इफ टी वी कम्स अप विद अ गुड ऑफर, बट या दैट्स द थिंग, अच्छा काम होना चाहिए, बिकॉज आई एम सच अ पर्सन दैट आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ द हाउस ओनली फॉर मनी. कि मैं रोज़ काम पे सिर्फ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, यू नो. तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फैक्शन तो प्रोजेक्ट, हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा होना
बहुत जरूरी है और फिर वो कहीं भी हो सकता है सो दैट डजंट मैटर.